नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली बेटा न्यूज चैनल पर। मैं आपके सामने एक नई खबर किसान जी आपको बता दें, आरआईएल कपड़ा कारोबार में 75,000 करोड़ करेगी निवेश, 5G पर खर्च होगा 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, एजीएम में हुई है बात, रिलायंस 5G पर 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी नई व बेहतर सेवाएं देने के लिए 5G टेक्नोलॉजी पर काम करेगी और इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जी हाँ, रिलायंस रिटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने सोमवार को 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में अपनी बेटी ईशा का परिचय ग्रुप के रिटेल बिजनेस के मुखिया के तौर पर कराया। इसके साथ ही उनकी उत्तराधिकार योजना के पुख्ता संकेत मिल गए। इसके पहले मुकेश अंबानी बेटे आकाश को ग्रुप का टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो का चेयरमैन नॉमिनेट कर चुके हैं। 45वीं सालाना आम सभा में मुकेश अंबानी ने ईशा का परिचय खुदरा कारोबार के अगुआ के तौर पर कराया। उन्होंने ईशा अंबानी को खुदरा कारोबार के बारे में बोलने के लिए बुलाते वक्त उन्हें इसका मुखिया बताया। ईशा ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके ऑनलाइन किराना ऑर्डर करने और ऑनलाइन भुगतान करने से जुड़ा एक प्रेजेंटेशन भी दिया। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना आम बैठक में कंपनी के CMD मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल ने रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वहीं रिलायंस रिटेल की निर्देशक ईशा अंबानी ने रिलायंस रिटेल के FMCG सेक्टर में उतरने की घोषणा भी करी। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज 45वीं सालाना आम बैठक में AGM में रिलायंस रिटेल की निर्देशक ईशा अंबानी ने FMCG बिजनेस में उतरने की घोषणा करने की बताई। ईशा अंबानी ने व्हाट्सएप जियोमार्ट पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए कहा कि इससे बिजनेस को लाभ होगा। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक यानी AGM में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि इस साल रिलायंस रिटेल FMCG कारोबार में भी उतरेगी। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उत्पादों का प्रोडक्शन और वितरण करेगी। रिलायंस रिटेल की उपलब्धियों की बात करें तो ईशा अंबानी ने कहा कि पिछले साल 20 करोड़ यानी 200 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड ग्राहक थे। ईशा अंबानी ने कहा हमारे स्टोर्स पर 520 मिलियन लोग खरीदारी करने आए। वार्षिक आधार पर स्टोर्स पर आने वाले ग्राहकों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की संख्या में सालाना आधार 2.3 times की बढ़ोतरी हुई। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले ग्राहकों का आंकड़ा 4.5 मिलियन तक पहुंचा। ईशा अंबानी ने बताया कि 2,500 नए स्टोर खोले। जी हाँ, ईशा अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल के स्टोर्स की संख्या को 15,000 तक करने का इरादा है। रिलायंस रिटेल के सारे स्टोर्स का परिचालन क्षेत्र अब 42 मिलियन वर्ग मीटर का हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान रिलायंस रिटेल ने 1.5 लाख लोगों को जॉब दी, जिससे रिलायंस रिटेल के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 3,60,000 हो गई। ईशा अंबानी ने बताया कि डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म अच्छी ग्रोथ हासिल कर रहा है और हम हर दिन लगभग 6 लाख ऑर्डर डिलीवरी कर रहे हैं। यह पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। 260 से अधिक शहरों में जियोमार्ट की सेवाएं उपलब्ध है और इसे ऑनलाइन किराना के लिए भारत के विश्वसनीय ब्रांड के रूप में मान्यता मिली। जी, आपको यह भी बता दें कि व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप, ईशा अंबानी ने कहा कि व्हाट्सएप जियोमार्ट पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए कहा कि जियोमार्ट और व्हाट्सएप की साझेदारी से बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। जियोमार्ट व्हाट्सएप उपयोगकर्ता व्हाट्सएप पे कैश ऑन डिलीवरी और अन्य भुगतान विधियों का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, आपको यह भी बता दें कि रिटेल में 2 लाख करोड़ का कारोबार। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को AGM में रिलायंस रिटेल ने रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है और 12,000 करोड़ का EBITDA हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल एशिया में शीर्ष 10 खुदरा विक्रेताओं में से एक है। इसका उद्देश्य फिजिकल स्टोर, मर्चेंट पार्टनर स्टोर व डिजिटल और ओमनी कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों ग्राहकों को असीमित विकल्प, उत्कृष्ट मूल्य, बेहतर गुणवत्ता और बेजोड़ खरीदारी का अनुभव प्रदान करना है। जी।